तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। एंड आज मैं जा रहा हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने। तो टाइटल और थंबनेल से तो आपको मालूम चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं जा रहा हूँ KS डिजिटल हब, एंड वहाँ इसलिए जा रहा हूँ कि बहुत जन मेरे से सवाल पूछ रहे थे बजट ब्लॉगिंग कैमरास एंड बजट ब्लॉगिंग सेटअप के बारे में। तो आज सोचा इसी टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूं। एंड बारिश भी हो रहा है यहाँ, तो ये रास्ता अभी सीधा कनेक्ट करेगा थाना मोड़, एंड थाना मोड़ से मेरे को लेना पड़ेगा राइट फॉर वेनस मोड़। फिर वहाँ से आप लोग देखते रहना, मैं रास्ता भी दिखा दूंगा। तो जो लोग गोप्रो वगैरह काफ़ी जैसे महंगे कैमरा हो गए, तो वो जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी मतलब जो फिलहाल ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं तो वो लोग भी इससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बने रहो वीडियो में। वीडियो को मोटो ब्लॉगिंग को इस बार ज़्यादा लंबा नहीं करते एंड सीधा मेन टॉपिक में चलते हैं। तो चलते हैं KS डिजिटल में, फिर वहाँ जाके आपसे दोबारा मिलते हैं। एंड ये मैं पहुँच चुका हूँ थाना मोड़, यहाँ से लेना पड़ेगा मेरे को राइट। ओके गाइस, तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ पानी टंकी मोड़, एंड सीधा जाओगे तो आप पहुंच जाओगे सेवक। एंड मेरे को लेना है लेफ्ट, यू टर्न। तो अगर आप सेवक मोड़ से आते हो तो आपको ये रोड पड़ेगा, तो आप इधर से आके फिर इधर को आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। एंड मेरे लेफ्ट साइड में जैसे आप ये सोनी का बोर्ड देख सकते हो, ये रहा KS डिजिटल हब। तो यहाँ मेरे को बाइक लगाना है। चलते हैं दुकान में, फिर दिखाते हैं आपको बजट कैमरास। ओके गाइस, तो अभी जैसे आप देख सकते हैं मैं पहुंच चुका हूं KS डिजिटल हब। एंड जैसा अपना टॉपिक था बजट एक्शन कैमरा, तो काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे बजट एक्शन कैमरा के बारे में, तो इसलिए मैं आ चुका हूं हमारे KS डिजिटल हब, जहाँ से मैं अपना GoPro परचेस किया था एंड पूरा जो भी ब्लॉगिंग सेटअप है वो परचेस किया था। तो इसी वजह मैं एक बार पहले आपका मेरा जो ब्लॉगिंग सेटअप है वो मेरे फ़ोन से मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप लोगों को भी मालूम पड़ जाएगा कि मैं कौन सा सेटअप यूज़ कर रहा हूँ। तो ये रहा मेरा ब्लॉगिंग सेटअप जो है GoPro Hero 9, एंड इसी के साथ है बोया का MM1 माइक। तो ऑडियो क्वालिटी जैसे मैं अभी कैमरा इधर उधर कर रहा हूँ तो आपको आइडिया हो रहा होगा। एंड ये रहा एक ट्राइपॉड, ये मेरा ट्राइपॉड नहीं है एक्चुअली, मैं शॉप से लिया क्योंकि मेरा ट्राइपॉड मैं घर पर भूल गया। तो ये रहा इसका अडाप्टर, तो इस पर आप लाइटिंग ऑन कर सकते हो। तो काफ़ी सारा प्रोडक्ट है, ऐसे ही और भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना। तो चलते हैं पहले अपने पहले टॉपिक, अपना एक्शन कैमरा, वो भी बजट वाला। चलते ओके, तो ये रहा कुछ बजट कैमरा एंड यहाँ लग्जरी कैमराज भी है। यहाँ हमारे बिपिन भैया, तो अब बिपिन भैया हम लोग को दिखाएंगे बजट एक्शन कैमरा। तो भैया काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे बजट एक्शन कैमरा के बारे में, तो जो लोग अभी ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं उनके लिए कौन सा कैमरा अभी वो लोग शुरुआत कर सकते हैं? एंट्री लेवल में देख सकते हैं, जैसे ये SJ कैमरा का मॉडल है SJ 4000R। एंट्री लेवल में सबसे ज़्यादा बिकने वाला कैमरा है ये SJ 4000R। एंड उसके ऊपर अगर मिड लेवल में जाएंगे तो ये है SJ 6 Legend। SJ 6 Legend में क्या है, गायरोस्कोप है, टच स्क्रीन दिया हुआ है, प्लस एक्सटर्नल माइक सपोर्ट है, जिसकी वजह से ये इसका सेलिंग ज़्यादा है एंड स्टेबलाइजेशन इसका अच्छा है। इसके ऊपर अगर देखेंगे तो SJ 8R है, SJ 8R एक्चुअली SJ 6 Legend से कम दाम का है। एंड उसके ऊपर ये भी न्यू लॉन्च है SJ 8 Dual बोल के, इसमें डुअल डिस्प्ले है, जैसे Hero 9 Hero 10 में डुअल डिस्प्ले है, वैसे इसमें फ्रंट एंड रियर डिस्प्ले है दो डिस्प्ले के साथ में। एंड इसके भी ऊपर SJ 8 Pro है, एंड SJ 8 Pro के ऊपर आता है SJ 10X एंड SJ 10 Pro। तो SJ 10X अराउंड हमारा 13,000 का है। SJ 4000 अभी जैसे इंडिपेंडेंस डे ऑफर है, जिसकी वजह से अभी इसका प्राइसिंग 4500 में मिल जाएगा, और कहीं से भी आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी कम प्राइस में है अभी, 5200 जनरल प्राइसिंग चल रहा है। लेकिन अभी फॉर इंडिपेंडेंस डे ऑफर
ये 4500 है। एच जे सिक्स लेजेंड ये बिलो 10,000 में अवेलेबल है एंड अभी ऑफर भी है। ये जो स्मार्ट वॉच ये रिमोट है एच जे का, एच जे सिक्स सपोर्टेड है। इसके ऊपर वाला कोई भी मॉडल है सब सपोर्टेड है। अगर कोई भी आप कैमरा लेते हो तो इसमें आपका 50% का ऑफ मिल जाएगा अभी आपको। एंड इसके ऊपर जैसे एच जे एट एयर का वो अराउंड 8,000 का स्टॉक है। ये डुअल जो न्यू लॉन्च है ये 14,900 का है एंड एच जे एट प्रो जो है ये अराउंड 17,500 का है। तो एक बार निकाल के एक बार थोड़ा दिखा दीजिए स्पेसिफिकेशंस, तो जो भी व्यूअर्स है उनको आसानी होगा। ये एच जे 4000 एयर 4K रिकॉर्डिंग के साथ में है, वाईफाई के साथ फोन के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगा डेटा ट्रांसफर करने के लिए। इसका प्राइस कितना है? ये अभी जनरल वैसे प्राइसिंग इसका 5,299 है जो कि ई कॉमर्स साइट से भी मिल जाएगी सारे वारंटी के साथ। विद वारंटी के साथ है मेरा, जो कि अभी 4,500 पड़ेगा इसका ये। एंड ये ऑफर ये प्राइसिंग जो है सिर्फ इंडिपेंडेंस डे तक के लिए है, 4,500 जो है इसका। एंड इसके ऊपर एच जे 8 एयर मॉडल है ये, ये 8,000 में आएगा। ये टच स्क्रीन के साथ में है, 7G लेंस है, 14MP का सेंसर दिया हुआ है इसमें एंड ये टाइप सी के साथ में है। इसका प्राइस कितना है? ये 8,000 का ही। एंड उसके ऊपर है एच जे 6 लेजेंड, ये आएगा। इसका भी प्राइसिंग वैसे 11,000 चल रहा है लेकिन अभी इंडिपेंडेंस डे ऑफर में इसका भी प्राइसिंग आपका बिलो 10,000 में ये आपको मिल जाएगा। ऐसा ऑफर में आपको अगर आप कोई भी कैमरा लेते हो एच जे 8A या 6 लेजेंड, ये जो रिमोट दिख रहा है दिस इज़ अ रिमोट जो स्मार्ट वॉच की जैसे पहन सकते हैं, इससे आपका कैमरा ऑपरेट हो जाएगा, ये आपका 50% ऑफ में आएगा। एंड एच जे 8 डुअल विद डुअल डिस्प्ले ये 14,900 है, इसका भी आपका इंडिपेंडेंस डे ऑफर में 14,000 तक में आ जाएगा ये मॉडल। तो काफ़ी सारे डिस्काउंट चल रहे हैं अभी, जितना जल्दी हो सके ग्रैब कर लो। एंड एच जे 8 प्रो है ये, अच्छा सेलिंग वाला मॉडल है ये। ये 4K 60fps दे रहा है, इसमें 12MP का सेंसर है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है इसमें एंड USB टाइप सी है एंड दोनों H.264 एंड 265 दोनों सपोर्टेड मॉडल है एंड 170 डिग्री का व्यूइंग एंगल है इसका। तो ये अराउंड 17,000 में ये भी अवेलेबल है अभी। तो ये रहा बजट एंड इसके माइक वगैरह सारा ब्लॉगिंग सेटअप भी पूरा, अगर किसी को ब्लॉगिंग सेटअप चाहिए। हाँ तो इसका माइक्स भी अवेलेबल है, बैटरीज भी अवेलेबल है अभी। बैटरीज एंड फ़ोन के लिए कुछ ब्लॉगिंग सेटअप जो बेसिक ब्लॉग शुरू करना चाह रहे हैं, देखो फ़ोन में अगर किसी के पास अच्छा फ़ोन है उसको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है तो रिकमेंडेड है एक स्टिक ले ले। जैसे इधर काफ़ी सारे स्टिक्स नज़र आ रहे हैं, इसमें से कोई भी स्टिक चूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग है स्टिक्स का प्राइस, जैसे पिंक एंड ब्लैक वाला है ये खाली 300 में ये स्टिक अवेलेबल है। इसके ऊपर फ़ोन का माउंट आ जाएगा जो कि 150 का आ जाएगा, तो 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियली माइक का रिक्वायरमेंट नहीं है, फ़ोन का माइक से ही आप यूज़ कर सकते हो एंड उसको आप चला सकते हो। तो इनिशियल सेटअप आपका ये 500 से ही आपका जो इमीडिएट फ़ोन है उसी से आप स्टार्ट करके यूज़ कर सकते हो। एंड किसी को GoPro वगैरह लेना है तो उसमें भी कुछ ऑफर चल रहा है क्या अभी? GoPros में जैसे अभी हमारे पास हीरो 10 का ये बंडल पैक है एंड हीरो 9 का बंडल पैक है, ये सब में भी अभी डिस्काउंट्स हैं। जैसे जनरली हीरो 10 ब्लैक जो है हमारा विदाउट बंडल 50,000 में आता है, लेकिन अभी इंडिपेंडेंस डे ऑफर में ये आपका विद एक्स्ट्रा बैटरी एक्स्ट्रा शॉर्टी स्टिक एंड मैग्नेटिक क्लैंप के साथ 50,000 विद अ बंडल मिल जाएगा आपको। सेम थिंग फॉर हीरो 9 का जनरल प्राइसिंग 39,000 है, लेकिन अभी विद बंडल बिलो 39 दैट इज 38,500 में आपको बंडल पैक मिल जाएगा दैट इंक्लूड एक्स्ट्रा बैटरी एंड रिमोट। रिमोट है ये GoPro का रिमोट, अलग से अगर लेने जाए तो 10,000 का आता है ये रिमोट एंड 10,000 प्लस 2,100 फॉर द बैटरी, 12,000 का चीज़ आपको अभी इन ऑफर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 38,500 में GoPro 9 मिल जाएगा। ये ऑफर भी इंडिपेंडेंस डे तक का है। तो बजट में ये सारे एक्शन कैमरा आप चेक कर सकते हो। मेरे रेकमेंड करूँगा आप कोई शॉप से ही जाके लो, ऑनलाइन मत लो, क्योंकि वहाँ पे सारे काफ़ी सारे डुप्लीकेट सामान का भी वो हो सकते हैं, तो वारंटी वगैरह का आपको इशू फेस करना हो सकता है। तो अगर आप ऑफलाइन स्टोर से लेते हो तो ये इशू आपको हेडेक लेने का नहीं है। एंड एक चीज़ वारंटी रिलेटेड की बात से ये चीज़ है कि देख सकते हैं जैसे मेरे पास जो भी प्रोडक्ट है प्रॉपर चैनल से आया हुआ है, प्रॉपर कंपनी के थ्रू आया हुआ है, तो ये मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं चाहे वो एच जी कैम हो, GoPro हो, इंस्टा हो, DJI का हो, सभी में आपको वारंटी मिलेगी।
एंड आपको वारंटी के लिए कहीं जाना नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको, आप मेरे पास प्रोडक्ट ले आइए, हम उसका वारंटी क्लेम करा के आपको देंगे। अभी हाल फिलहाल में ही हीरो 9 का, हीरो 10 का एंड इवन हीरो 8 का हमने वारंटी क्लेम किया है। हमें रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट मिला है। 9 का बेसिक पैक था, वो रिप्लेसमेंट में गया तो बंडल पैक आया। दो केस हो चुके हैं उस वैसे मेरे पास। जैसे ये वाला जो पीस है ये भी मेरा अभी कस्टमर का है, नॉर्मल पीस गया था रिप्लेसमेंट के लिए, ये विथ बंडल पैक है, कंपनी ने हमें सेंड किया है। ये सर्विस वाला मटेरियल है जो अभी आया है। एंड ये देख सकते हैं GoPro इंडिया ऑफिशियल का, इसमें लोगो है, होलोग्राम है, दैट मीन्स ये ऑफिशियल प्रोडक्ट है। एंड इसी टाइप से अभी मेरे पास अभी दो और प्रोडक्ट आए हैं जो कि सर्विस होके आए हैं। ये इंस्टा 1X2 है जो कि मैं यूज़ करता था, इसका टच स्क्रीन काम करना बंद कर दिया था, लेंसेज में हल्के फुल्के स्क्रैचेस थे। कंपनी से ये आया है अभी रिप्लेसमेंट होके, ये न्यू पीस है, कंपनी ने ये भी रिप्लेस करके दिया है मुझे। एंड अभी ये DJI Osmo Action है, ये भी डेड था, ये भी कंपनी ने न्यू पीस रिप्लेसमेंट करके दिया है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कहीं से भी लो, आप वारंटी चेक करो, वो डीलर से लो जो आपको सर्विस दे सके, सर्विस प्रोवाइड कर सके। मार्केट में काफ़ी लोग हैं जो प्राइसिंग कम करके दे सकते हैं आपको, लेकिन सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। मेरे यहाँ में क्या हो सकता है कि प्राइसिंग मार्केट से 100-200-300 रुपये ऊँचा मिल सकता है आपको। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा बेस्ट प्राइसेज या लोएस्ट प्राइसेज रहेगा, हाँ बट सर्विस का आपको गारंटी रहेगा। मेरे से आपने लिया है तो सर्विस आपको मिलेगी। कोई दिक्कत आ रही है, कोई जेन्युइन फॉल्ट है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपको वो सर्विस मिलेगी। ओके, तो आप लोगों ने तो देख ही लिया मतलब क्या इशू हो सकता है अगर आप ऑथेंटिक प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हो। तो ये मैं वो केस डिटेल आपके बाहर एंड बाहर इसलिए ताकि मैं आपको दुकान दिखा सकूं। तो ये रहा पानी टंकी मोड, एंड पानी टंकी मोड से जब आप सेवक मुख की तरफ जाओगे तो ये आपका राइट साइड में पड़ेगा। तो यही था बस आज का वीडियो, एंड होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका होगा मेरे इस ब्लॉग से। एंड ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको ऐसे किसी बढ़िया ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में।